भी है, मेरे वारिस अमोर में भी है। मेरे वारिस के पास चले जाओ वारिस। अब लोग वारिस, अगर वारिस है तो लवारिस की तरह नहीं सुनना, वारिस की तरह सुनना इस जुमले को और फौरन नोट कर लेना। वारिस होता कौन है? वारिस इसे कहा जाता है। वारिस वही है कि मेरे बाद कोई नाइब हो जाए, उसे फुल इख्तियार हो जाए, यानी जो काम करने का मुझे इख्तियार है, वही पावर, वही अथॉरिटी मैं जिसको बना दूंगा उसी को हो जाएगा। और ये जो लेते हुए किसी ऐसे वारिस नहीं है, इनको किसी और ने वारिस नहीं बनाया है। इनको अगर कोई वारिस बनाया है तो मदीने के ताजदार में बनाया है। इसको नबी वारिस बना दे, नबी वारिस बना दे, ये मेरा वारिस है। अब वारिस के लफ्ज को और आसान कर दो, इस ताकि और जहन में ये बात महफूज हो जाए। जहां पानी ना हो वहां क्या करनी चाहिए? बोलो ना भाई, गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। अरे जब वो हम बोल रहे पानी नहीं हो तब क्या करनी चाहिए? और नमाज का टाइम निकला जा रहा है, तयम्मुम करनी चाहिए। तो तयम्मुम ये नाइब है वजू का, तयम्मुम नाइब है वजू का। जो काम हम वजू से लेते थे, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, तस्बीह, तहलील, जिक्र, अजगार, फिक्र, तरक, सुजूद, कयाम, मस्जिद में जाना, ये सब हम वजू से लेते थे। अब पानी नहीं है, या पानी पर कुदरत नहीं है, हम बीमार हैं, ये जख्म है, पानी पे ताकत नहीं है, अगर हम पानी को इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें एक रास्ता दिया कि वजू का नाई तयम्मुम है। जो काम तुम वजू से लेते थे, बीमार पड़ गए, वजू नहीं कर सकते हो, ऐसा जख्म लग गया है कि वजू नहीं कर सकते हो, या पानी तुझे नुकसान दे रहा है, तो पानी को छोड़ो, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम भी वजू ही की तरह है, इसलिए कि जो काम असल से लेते थे वही काम नाई भी देते चला जाएगा। अब वजू से तुम ना उसी तयम्मुम से नमाज भी पढ़ सकते हो, उसी तयम्मुम से तुम कुरान की तिलावत कर सकते हो, इसलिए कि पूरे रुए जमीन को रब ने तुम्हारे लिए पाक और सजगा बना दिया है। तुम्हारे ये पाक है, ये तुम्हारे लिए निजात अहंगा है। तयम्मुम करो, जो काम वजू से लेते थे वही काम तयम्मुम से लेना शुरू कर दो। तो गोया वजू का नाई तयम्मुम है। तो जो काम हम वजू से लेते थे वही काम उसके खलीफा से ले रहे हैं, वही काम, इसलिए उतने ही पावर उसमें भी है। आपको कहेगा कि तयम्मुम से नमाज नहीं होती है, होती है नहीं होती है? तो दुनिया का नजाम ही धर्म धर्म हो जाएगा अगर कोई कह देगा नहीं होगा। नमाज होती है इसलिए कि वही पावर है जो पावर वजू में है, वही पावर है जो पावर वजू में है। तो रब के महबूब ने इन औलिया इकराम को फरमाया, ये मेरे नाइब है, नाइब, ये मेरे नाइब है। ऐ अमीरो, तुम आ सकते हो लेकिन मेरे गरीब उम्मती का रखवाला कौन होगा? इसलिए मैं यहाँ से भी उसकी रखवाली करूंगा और वहां अपना नाई भेज कर भी अपना रखवाली करूंगा, भी उसकी खैरगिरी का पता लगाऊंगा, उसको दरियाफ्त करूंगा। इसलिए मेरा उम्मती जहां भी हो मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरे नबी का करम है, जिसे किसी लम्हे नहीं छोड़ रहे हैं। अब लोग क्या काम लेते थे नबी से, वही काम ले लो नाइब से। नबी से क्या काम लेते थे? रब ने फरमाया, वइज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाका वस्तग़फ़रा लहुम अर्रसूल,